तो मेरे पीछे अभी फिलहाल जो मुंह छुपा के खड़े हैं, तो है मिस्टर पाब्लो। यहाँ का जो भी मतलब देखभाली है यही भाई संभालते। भाई पाब्लो थोड़ा मुंह दिखा दे भाई, थोड़ा फेमस हो जाएगा तू यूट्यूब पे। ओके, तो ये अपने पाब्लो भाई, यहाँ के मतलब जितना भी है कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा ना, आपको कुछ भी चाहिए सीधा कॉन्टेक्ट इनको करना, आपको सब कुछ हेल्प मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बागी उड़ान। तो अभी हम लोग जोस्टल से अभी चेकआउट कर रहे हैं और अभी जाके करने वाले एक ख़तरनाक एक्टिविटी एडवेंचर। तो अभी फ़िलहाल तो जोस्टल से निकलने के बाद आपको तो पता है यहाँ पे जोस्टल आने के लिए यहाँ से वो बीच में जो कोलाड रिवर है उसको क्रॉस करके यहाँ पर आना पड़ता है। तो भाई अपने पाब्लो भाई अपने को नाव में बिठा के वो साइड लेके जाएंगे अभी, और वो साइड जाके अपन करेंगे अपनी सेकंड एडवेंचर एक्टिविटी, जो काफ़ी ख़तरनाक होने वाली। और क्या है वो नाव के वो साइड जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पूजा मैडम वहाँ से आ रही है पूरा सामान उठा के। ओए जल्दी आ जा, अरे थोड़ा सामान दे, हेलमेट दे। बरा झालं, आठवण आली, थँक यू। तो चलो अभी टाइम हो गया, नाव में बैठे उधर से, उधर से अभी चिकल है पूरा। आराम से आराम से। और मैं जिस एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर रहा था, एक्टिविटी की बात कर रहा था, वो है बंजी जंपिंग। तो अभी हम लोग करने वाले बंजी जंपिंग, और रिवर को अच्छा खासा स्पीड है। और पूजा मैडम के पहले ही होश उठ चुके, पहले से उसके दिल में एकदम धकधुक धकधुक हो रहा है। कुछ नहीं, अगर बागी उड़ान के साथ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। क्या बोल दो? Yes. शादी की है तो ये सब करना पड़ेगा। मुंबई मुंबई डोंबिवली आराम से चलो। रेडी बाय, थैंक यू। चल बाबलो, थैंक यू, परत बैठत रहो अपन। तो जोस्टल के अपोजिट साइड वाइल्डर वेस्ट एडवेंचर है, जहाँ पे आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। इसके अलावा ये लोग बंजी जंपिंग भी अलाउ करते हैं। तो अगर आपको कौन सी भी एक्टिविटी यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे काउंटर है, मैडम यहाँ पे बैठी रहती है, उनको आके पूछना कि आपको कौन सा एक्टिविटी करना है। तो एक्टिविटीज़ के प्राइस रेंज क्या है मैं आपको अभी बता दूँ, यहाँ पे बोर्ड पे सब लिखा है इन्होंने। अरे कपल जम ना होते रे, तो ये सब एक्टिविटीज़ के प्राइस है। तो आपको क्या करना है उसके हिसाब से आप चूज़ करके यहाँ पे एक्टिविटी आप एंजॉय करना जो भी है। तो मैडम रोशनी यहाँ पे काउंटर पे बैठती है, तो उनसे आप जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है यहाँ पे, जो भी वाटर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो अभी थोड़ा बंजी जंपिंग के बारे में आपको ये मैडम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाले। तो मैडम इन्फॉर्मेशन क्या है? बंजी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बस बॉडी की बॉडी रेडी होना चाहिए और उसमें वेट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका वेट 40 के नीचे है तो बंजी जंपिंग नहीं होगा, 40 के ऊपर और 115 के नीचे इन दोनों के बीच ही वेट होना चाहिए तो ये बंजी जंप होता है।
बंजी जंप के लिए हमारे यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर चल के ही जाना है पूरा। मतलब कितना फ्लोर है वो टोटल? 7 फ्लोर है। वहाँ पर मतलब 7 फ्लोर ऊपर चढ़ के आना है। और हाइट कितना है उसका? 43 मीटर है और 130 फीट है। 130 फीट, बाप रे। मतलब फिलहाल महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट है ये? हाँ, तो फिलहाल महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है ये। इंडिया में सेकंड हाईएस्ट है कोलाड में? हाँ। वाओ ग्रेट, तो अभी काफी मजा आने वाला है। और कपल जंप भी कर सकते हैं क्या? कपल जंप होगा अगर 100 kg के अंदर दोनों का वेट होगा तो होता है, वरना नहीं होता। अभी तो मतलब हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, मतलब जो स्लिम्स होते हैं जो कपल्स उनके हो जाते। तो मतलब नेक्स्ट टाइम अगर कोई आया तो अवेलेबल होगा क्या? जी, नेक्स्ट टाइम तक हम कोशिश कर रहे हैं कि रोप मंगवाए, रोप आ जाती है तो हम करते हैं। तो इन केस मैडम अगर ऊपर जाके किसी मतलब किसी की मतलब जो भी बंजी जंपिंग करने वाला है, अगर ऊपर जाने के बाद उसको थोड़ा सा डर लग गया कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो नो जंप नो रिफंड होगा। एक बार फॉर्म फिल हो गया, पैसे दे दिए, आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़े तो भी हम रिफंड नहीं देंगे। सो दैट मीन्स हमारी ओर से अगर हम नहीं करवा रहे जंप तो रिफंड होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो रिफंड नहीं होगा। तो सुना आप लोग ने, नो जंप नो रिफंड। तो मेरा बेटे कुछ 82 kg, अरे वहाँ कसम कम हो गया ये बात। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो वेट, ये लोग ने हाँ करना कितने मिनट में नीचे आ जाते हैं? 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट तक ऊपर, 2 मिनट जाम होने कंप्लीट होने लगेगा ना। ओके, तो पूजा के ढेर सारे क्वेश्चंस है, तो अभी वो मैडम फिलहाल वेट चेक करिए, पर मैं उसका वेट दिखाऊंगा नहीं तो वापस मेरे पे भड़क जाएगी बिना वजह का, क्यों मेरा वेट यूट्यूब पे दिखा है। अभी फिलहाल मैं अपना फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको सब लिखना है कि ये जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ अगर कुछ हुआ तो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बंजी जंपिंग के लिए, और अपनी पूजा मैडम एकदम रेडी हो चुकी है। तो कुछ बोलना है आपको? ऊपर जाके बोलूंगी जो बोलना है। क्योंकि बोलो मैडम कहाँ से? इधर सीधे सीधे चलो, सीधे सीधे चलो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? इतना पहले 7 फ्लोर ऊपर, इतना आपको 7 फ्लोर ऊपर चढ़ना है तो आराम से, ठीक है? ओके, बाय बाय। कुछ है लेके जाना है बस ऐसी? हे भगवान, क्या क्या करना पड़ेगा ये बागी उड़ान में। कुछ भी नहीं होगा पूजा, यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल, कुछ भी नहीं होगा। सच्ची कुछ नहीं होता ना। कहाँ से धक्का मारोगे? यहाँ से धक्का मारोगे, खुदड़ी मारना पड़ेगा। पानी में तो नहीं जाऊंगी ना मैं। Peace out.
वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, एकदम प्राउड फील हो रहा है। कैसा कैसा रहे? क्या हो गया? पूरी लाल लाल हो गई। ठीक है, वाह मेरे शेर, मेरे चीते, एक नंबर काम किया। गाइज अभी अपनी बारी है बंजी जंपिंग करने की और कुछ सेवन फ्लोर ऊपर चढ़ के जाने का। पूजा ने तो बहुत डेयरिंग दिखा के जंप तो कर दिया है, अभी अपनी बारी। स्टेप्स थोड़े है रिस्की टाइप है, चढ़ते वक्त थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, पर आप आराम से चढ़ना ध्यान दे के। ये लोग यहाँ पे ना आपको वीडियो शूट करने के लिए भी ऑप्शन देते हैं, उनके पास वो गोप्रो है, वो आपको देंगे। उसके चार्जेस कुछ 500 रुपीज़ है वीडियो बनाने के, तो 500 रुपीज़ आप दोगे इनको तो आपका वीडियो भी बन जाएगा। ये 7 फ्लोर चढ़ना भी अपने आप में एक एडवेंचर है। हाँ माय गॉड, हाँ 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 तीसरे फ्लोर पे ही थक गया है, पूरा कोलार दिख रहा है इधर से। ओ थोड़ा हल्का सा नर्वसनेस है पर जिद भी उतनी है क्योंकि डर के आगे जीत है। लास्ट वीकेंड में एक भी लड़की ने यहाँ पे बंजी जंपिंग की नहीं थी और अपनी शेर क्या अभी थोड़े देर पहले उसने बंजी जंप किया है। आई फील सो मच प्राउड अबाउट हर, काफ़ी हिम्मत लगती है ये सब स्पोर्ट्स करने के लिए, मतलब कमज़ोर दिल वालों का ये काम नहीं है। टॉप पे आई गए और ये आप देख सकते हो यहाँ से पूरा कोलार, खतरनाक एक्सपीरियंस गाइस। आके यहाँ पे आप जरूर मिलना, डरने का नहीं, एकदम मज़ेदार चीज़ है यार ये, क्या बिजनेस है। ओहो माय गॉड, आप बताओ आप। यस मेरे घर के दिखा, यस मेरे एडवेंचर था और ये जो मेरा ड्रीम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। यस
खतरनाक एक्सपीरियंस था दोस्तों, क्या बताऊँ मैं, अभी मेरे पास वर्ड नहीं है। जब मैंने जंप लिया था तभी मैंने अपने महाराज को याद किया। महाराजा ने अपने दो ही महाराज है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। जब इनका नाम लेता हूँ ना पूरे बदन में जोश आता है, ताकत आती है, जितने भी टेंशन है सब दूर। और ये हमारा बंजी जंपिंग का सर्टिफिकेट है, हमारे जो सर है उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया है। और ये हमारा ये तो मेरा सेकेंड अचीवमेंट है और ये पूजा का फर्स्ट अचीवमेंट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। नाम क्या है बेटा आपका? आराध्या। यहाँ पे हमारी कोला ट्रिप ख़त्म हो रही है। तो मैडम ने जब मैंने स्काई डाइविंग किया था, स्काई डाइविंग मैंने थाईलैंड में किया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं रहेगी तो ऊपर यहाँ पे आई बटन आता होगा तो लिंक ऊपर आती होगी तो देख लेना। जब मैंने स्काई डाइविंग किया था तभी मैडम बोले थी कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है। पर अभी मैं बोला ठीक है बेटा, स्काई डाइविंग तो अपन बाद में कर लेंगे जब मौका मिलेगा तब, पर फिलहाल बंजी जंपिंग करते। तो बंजी जंपिंग करवाई, कसम से बोल रहा हूँ दोस्तों, कमज़ोर दिल वालों का ये काम नहीं है, उसके लिए बहुत गट्स लगता है। तो मैंने कैसे किया बताओ? अरे मैं तो एकदम क्या बोलूँ, मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ तेरे पे, पूछ मत, एकदम एक नंबर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसकी हिम्मत को, मैं 100% क्या 1000% उसको दाद दूंगा, एक नंबर है बस यार, एक नंबर। मज़ा आ गया एकदम, फुल पैसे वसूल है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो रिलेटेड वाटर स्पोर्ट्स या फिर बंजी जंपिंग, तो अपने चैनल का रेफरेंस ज़रूर देना बागी उड़ान, फॉर श्योर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो गया यहाँ से कल्टी मारने का और हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं अपनी रेस रडार यहाँ से निकाल के, सीधा यहाँ से बाइक निकाल के डोंबिवली। तो बीच में एक दो जगह हॉल्ट लेंगे, खाना खाएंगे, मज़े करेंगे और घर जाएंगे। अभी तो घर जाना है बस, अभी घर जाना है बस। अभी थोड़ा अपना जो तामझाम है थोड़ा सेटल होते हैं, विंडशीटर सब पहनते हैं, थोड़ा कैमरे वैमरा सेटअप करता है गोप्रो अपना और चलते हैं। तब तक के लिए